फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है लविंग गार्डन पर। तो आज हम कई दिन में वीडियो आज बनाना स्टार्ट किया है मैंने। देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर आए हुए हैं ऑरेंज कलर के गजानिया पर। और तब ये मैंने गजानिया की वीडियो बनाई थी, उस टाइम ये फ्लावर नहीं आए हुए थे। देखिए कितने प्यारे हैं ऑरेंज कलर के फ्लावर। तो खैर सभी विंटर फ्लावर हैं, तो फ्लावर तो सभी प्लांट्स पर बहुत प्यारे प्यारे आए हुए हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा अलग है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि विंटर के जो फ्लावर की हम पोटिंग सोइल बनाते हैं वो कैसे और किस कितनी कितनी बनानी चाहिए, आज मैं आपको यही बताऊंगी। तो मैंने मेरे भी कुछ प्लांट हैं वो मुझे रिपोर्ट करने हैं, उनके लिए मैं सोइल तैयार कर ही रही थी। तो चलिए मैं आपको भी बता देती हूँ, साथ ही साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने प्यारे प्यारे फ्लावर आए हुए हैं। देखिए कितना कितना गुथा हुआ और कितना बड़ा फ्लावर है, कितना प्यारा लग रहा है। गेंदे पर मैरीगोल्ड भी बोलते हैं इसे। पिटोनिया के फ्लावर भी बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं। देखिए कितने फ्लावर आए हुए हैं। और ये सारी जो हमने गुलदावदी की वीडियो बनाई थी तो उस टाइम तो ये सब बर्ड्स थी, अब ये भी सारे फ्लावर्स खिल चुके हैं सारे, कितने अच्छे से। तो चलिए हम अपनी सोइल तैयार कर लेते हैं। तो ये मेरे कुछ प्लांट हैं जो भी बड़े भी हो गए हैं। देखिए ये मैंने ये छोटे छोटे उसमें लगाए थे, ये प्लास्टिक के ग्लास में, और अब ये काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और जड़ें भी इनकी यहाँ से खूब अच्छे से दिखाई देने लग गई हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ इन सबको रिपोर्ट कर दूँ। देखिए कितने सारे प्लांट हैं। तो इसके लिए मैंने देखिए क्या क्या तैयार किया है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, ये मैंने सोइल ली है इसके लिए। देखिए कितनी सारी सोइल है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे पॉट तैयार करने हैं मुझे। और इसी की बराबर मात्रा में बिल्कुल मैंने ये गोबर की खाद ली है, ये देखिए। और गोबर की खाद हमेशा बिल्कुल अच्छे से सड़ी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से डिकम्पोज हुई वो वाली हमें गोबर की खाद चाहिए। क्योंकि जो गीली गोबर की खाद होती है वो बहुत गर्म हो जाती है और उससे हमारी ये पेड़ों की जो जड़ें होती हैं उनसे नुकसान होने का थोड़ा डर रहता है, इसलिए गोबर की खाद हमेशा अच्छे से बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए। ये देखिए कैसे बिल्कुल सूखी हुई है अच्छे से, बिल्कुल इसी की बराबर मात्रा में ये जितनी ये हमारी सोइल है इतना ही हमारा ये गोबर की खाद है। और देखिए आपको सोइल दिखाती हूँ मैं, बिल्कुल सोइल बिल्कुल रेत जैसी सोइल है ये, बिल्कुल भी चिकनी सोइल नहीं है, क्योंकि चिकनी सोइल हार्ड होती है। तो चिकनी सोइल हमें बिल्कुल नहीं लेनी होती है अपने ये पौधों के लिए, और विंटर फ्लावर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं चिकनी सोइल लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल, और ये ऐसी सोइल है कि ऐसे हाथ लगाते ही ऐसे फूट भी जाएगी, और हम इस पर जैसे पानी डालेंगे तो पानी से भी बिल्कुल एकदम ऐसे रेत की तरह पिघल सी जाती है। और एक हिस्सा मैंने ये सोइल लिया है और एक हिस्सा मैंने ये गोबर की खाद लिया है बिल्कुल बराबर मात्रा में। और इसमें मैंने ये थोड़ा, ये मेरे पास थोड़ा ही बचा है कि ये मेरी जो मैंने किचन वेस्ट से बनाई हुई है ये कंपोस्ट, ये वो वाली है, ये थोड़ी इसलिए बची है क्योंकि मैंने जो काफ़ी पहले प्लांट लगाए थे उसमें मैंने ये यूज़ भी कर लिया है। देखिए कितनी अच्छी हमारी किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार हुई है। तो मैंने इसमें एक हिस्सा ये भी लिया है, और ये इसी का आधा हिस्सा मैंने इक्वल मात्रा में बिल्कुल, ये वर्मी कंपोस्ट है। देखिए ये वर्मी कंपोस्ट है। और जो मैंने जो गार्डन की अपनी जब सफाई की थी ये, तो इसी में जो सूखे फ्लावर हैं, लीव्स हैं, ये सब मैंने इसी में ही मिक्स करके रखा हुआ है, क्योंकि इन सब का भी बहुत अच्छा खाद बन जाता है। तो ये हमारा एक हिस्सा बिल्कुल बराबर मात्रा में बिल्कुल मैंने ये सोइल ली है, और इसी का बिल्कुल आधा हिस्सा इक्वल मात्रा में मैंने गोबर की खाद ली है, और उन दोनों का आधा आधा मैंने ये किचन की
वेस्ट जो किचन होता है हमारा उसकी कंपोस्ट है, और मैंने इसी में ही ये वर्मी कंपोस्ट ऐड किया है। तो हम अब क्या करेंगे, इन सब को मिक्स करेंगे और मिक्स करके अपने प्लांट लगाएंगे। ये हमारी बिल्कुल बेस्ट सोइल है, अब ये विंटर के फ्लावर के लिए बिल्कुल बेस्ट सोइल है। इस तरह अगर हम अपनी सोइल एक बार ही अच्छी करके लगा देते हैं, फिर हमारे पौधे ख़राब नहीं होते हैं बिल्कुल भी, और अच्छे से फ्लावरिंग भी अच्छे से करते रहते हैं। तो पहले तो मैं इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, अभी ज़रा आपको बाद में दिखाती हूँ। तो ये मैंने इसे अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लिया है, देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। जो हमारी किचन वेस्ट होती है इससे भी प्लांट को अच्छी एनर्जी मिलती है। देखिए मैं इसे इन सब में पॉट में भर लूँगी। रख दो, अभी नहीं रखो। तो सबसे ज़रूरी बात यही होती है कि सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है हमारी सोइल। तो पौधा जो हमारा अच्छा चलेगा तो वो सिर्फ सोइल की वजह से चलेगा। अगर हमारी सोइल अच्छी है तो पौधा हमारा बहुत अच्छा चलेगा, और अगर उसे सोइल ही अच्छी नहीं मिलेगी, उसकी जड़ों को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो फिर पौधा अच्छा कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए सोइल अच्छी होनी चाहिए, सबसे बेस्ट सबसे पहली बात सोइल होती है। तो हमारी सोइल अच्छी से बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इन सब को इन पॉट में भर के अपने पौधे लगा दूँगी। तो ये मैंने पॉट में इनमें सोइल सब में भर लिए, और ये मैंने जो मेरे प्लांट थे कोलियस के हैं, और ये हैं, ये कोलियस के ही कलर हैं, इन ये डहेलिया के पेड़ हैं ये वाले, इनको लगा देती हूँ। देखिए इसने ये प्लास्टिक के ग्लास में से निकल के इनकी जड़ें कैसे हो रखी थी, तो अब मैं इनको लगा देती हूँ ऐसे। तो काफ़ी बड़ा सा ये वाला तो काफ़ी बड़ा पॉट है, इसलिए मैं इसे इसमें अपने मेरे दो प्लांट लग जाएंगे, देखिए ऐसे, और इसे ऐसे साइड में ये सोइल डाल दूंगी मैं। तो ये बिल्कुल हमारी बेस्ट सोइल है। आप इस तरह से अगर अपने प्लांट लगाएंगे ऐसी सोइल तैयार करके, तो बिल्कुल भी आपके प्लांट ख़राब नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी ये सोइल बहुत अच्छी सोइल बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, और पौधे भी विंटर फ्लावर के लिए तो बहुत अच्छी सोइल है। और ये परमानेंट वाले प्लांट भी हम इस सोइल में लगा सकते हैं, ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये फूलों वाले प्लांट ही इसमें लगाएंगे, हम जैसे मर्जी अपने प्लांट इस सोइल में लगा सकते हैं, बहुत अच्छी हमारी सोइल तैयार है ये। तो देखिए हमारे प्लांट लग ही चुके हैं ये सब, और साथ साथ में सोइल का भी हमें पता चल गया है कैसी होनी चाहिए सोइल। अब हमें इसे बिल्कुल डायरेक्ट धूप में हमें नहीं रखना है अभी से, अब हम इसे साइड में रखेंगे बिल्कुल, जहाँ पे साइड साइड वाली रोशनी आती हो, क्योंकि प्लांट लगाते ही एकदम रिपोर्ट करने के बाद डायरेक्ट धूप में नहीं रखना चाहिए। तो इसी तरह से मैंने अपने सारे प्लांट रिपोर्ट करती हूँ मैं, और ये सब अभी मैं छोटी छोटी ही पौध लेके आई थी, अभी तो नहीं, मेरे ख्याल से मुझे 15 से 20 दिन हो गए ये पौध लाए हुए, तो अभी मैं वेट कर ही रही थी कि थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तभी हम इन्हें दूसरे पॉट में शिफ्ट करेंगे अपने बड़े पॉट में। ये देखिए इसी तरह से अब मैं इनमें सिर्फ पानी डालूंगी। इसमें भी तो मैं इनमें बस
ऐसे पानी डाल दूंगी अपने। पानी जब हम डालते हैं पहली बार में प्लांट लगा के, तो खूब अच्छे से पानी डालना चाहिए ताकि नीचे से निकल जाए ड्रेनेज होल से अच्छे से। तो इस तरह मैंने अपने कितने पॉट तैयार कर लिए हैं, और सोइल भी बिल्कुल बेस्ट सोइल है, प्लांट कभी ख़राब नहीं होंगे ऐसे सोइल तैयार करोगे तो। और मैं तो हमारा काम कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।